नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 अक्टूबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 12वीं परीक्षा का डमी प्रवेश पत्र पर जल्द करे त्रुटि सुधार। पंकज त्रिपाठी ने बताई अपने संघर्ष के दिनों की कहानी। वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने बनाई रणनीति। जवान फिल्म की तर्ज पर बिहार में चालू होंगे 11 ट्रामा सेंटर। विश्व कप 2023 के अपने पहले मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर हासिल की शानदार जीत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। असम राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा असम पुलिस जीएसटी एपीआरओ आदि में 5,563 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। एसएमएस के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.slprbassam.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता अलग अलग निर्धारित की गई है। ऐसे में उम्मीदवार इससे जुड़ी अधिक जानकारी हासिल करने के लिए जारी की गई अधिसूचना को एक बार जरूर देख लें। इसरो चीफ सोमनाथ ने स्पेस सेंटर को लेकर किया बड़ा खुलासा। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद इसरो अब अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर प्रमुख एस सोमनाथ के द्वारा एक इंटरव्यू में जानकारी देते हुए बताया गया है कि चंद्रमा मिशन की सफलता के बाद हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अंतरिक्ष स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए कैसे फायदेमंद बन सकता है, इस पहलू पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा अपने गगनयान मिशन पर भी काम किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव के रहने योग्य अंतरिक्ष कैप्सूल विकसित करना है। वहीं इसरो के द्वारा अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया है, जो कि पृथ्वी से सूर्य की दिशा में 15,00,000 किलोमीटर पर स्थित है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे निकिता सिंह के बारे में। निकिता सिंह एक भारतीय उपन्यासकार है। उन्होंने 10 उपन्यास लिखे हैं, जिनमें से कुछ हैं इफ इट्स नॉट फॉरएवर, लव फेसबुक, राइट हियर राइट नाउ। फरवरी 2013 में उन्होंने दुर्जयो दत्ता के साथ सहलेखन में एक किताब समवन लाइक यू लिखी, जिसे पेंगुइन इंडिया द्वारा रिलीज किया गया था, और यह उपन्यास हिंदुस्तान टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची में नंबर 5 पर शामिल हुआ। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला उपन्यास फेसबुक लिखा, तब वह स्नातक की विद्यार्थी थी। सिंह ने पूरे भारत में कॉलेजों में विभिन्न टेडएक्स सम्मेलनों में भी भाषण दिए हैं। वह ग्रेपवाइन इंडिया में भी बतौर संपादक की तरह काम करती हैं। सबसे नई रचना लव यू लाइफ अ लव सॉन्ग मार्च 2016 में आई थी। निकिता ने लेखक अरवाना घई के साथ एंथोलॉजी 25 स्ट्रोक ऑफ दयालुता की भी संपादित थी। 12वीं परीक्षा का डमी प्रवेश पत्र पर जल्द करे त्रुटि सुधार। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड यानी कि बीबोस के 12वीं परीक्षा का डमी प्रवेश पत्र पर त्रुटि सुधार अब 10 अक्टूबर तक किया जा सकता है। बता दें कि पहले यह तिथि 4 से 7 अक्टूबर तक निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 अक्टूबर तक कर दिया गया है। प्रवेश पत्र के आधार पर संबंधित अध्ययन केंद्र के कोऑर्डिनेटर ऑनलाइन त्रुटि सुधार कर सकेंगे। वहीं बोर्ड की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में छात्र और उनके माता पिता के नाम में पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर किसी कोऑर्डिनेटर के द्वारा नाम में परिवर्तन किया जाता है तो ऐसे छात्र का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और कोऑर्डिनेटर के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि परीक्षा का डमी प्रवेश पत्र पर त्रुटि सुधार के दौरान अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 0612223009 पर संपर्क किया जा सकता है। वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने बनाई रणनीति। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में अधिक से अधिक वोटिंग के लिए आयोग की ओर से एक खास रणनीति बनाई गई है, जिसके तहत मतदाताओं के बीच मतदाता शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए 27,000 पाठशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिसका गठन मतदान केंद्र भवनों के स्तर पर किया जाएगा। इसको लेकर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HS श्रीनिवास के द्वारा आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार संबंधित पदाधिकारी को मतदाता शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने का निर्देश दे दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पाठशाला राज्य में 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आयोजित की जाएगी, जिसका संचालन मतदान केंद्र पदाधिकारी और जीविका दीदियों के द्वारा मिलकर किया जाएगा। इन पाठशाला में युवाओं व महिलाओं को मतदान के प्रति प्रेरित करने, मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं होने पर योग्य मतदाताओं के नाम शामिल करने का भी कार्य किया जाएगा।
पंकज त्रिपाठी ने बताई अपने संघर्ष के दिनों की कहानी। बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी के द्वारा लोकसभा को दिए गए इंटरव्यू में अपने संघर्ष के दिनों पर बात की गई। उन्होंने बताया कि वह मीडिया के सामने क्यों अपने संघर्ष के दिनों की कहानी बोलने से बचते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 23 साल तक गांव में रहा जहां मेरी परवरिश हुई। मैं निम्न मध्यम वर्ग से आता हूं। जब मैं किसी होटल में जाता हूं और खाना ऑर्डर करता हूं तो मैं उनसे कहता हूं कि मात्रा कम रखिएगा, लेकिन वह ज्यादा दे देते हैं और मुझे मजबूरन उसे खाना पड़ता है। क्योंकि अन्न बर्बाद होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता। मुझे पता है कि मैं अब मध्यम वर्ग से नहीं हूं, लेकिन मेरे मध्यम वर्गीय मूल्य अभी भी मेरे अंदर जिंदा है। अगर एक चम्मच के बराबर चावल भी बर्बाद हो जाते हैं तो मैं चिंतित हो जाता हूं। उन्होंने बताया कि मैं अपने संघर्ष के दिनों की कहानी इसलिए नहीं बताता क्योंकि फिर लोगों को लगने लगेगा कि मैं सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। इसका दूसरा कारण यह भी है कि जब भी कोई अपनी कहानी सुनाता है तो लोग उसके पीछे रोने धोने वाला गाना डालकर उसकी रील बना देते हैं। उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए कहा कि वह कोई भी निर्णय लेने से 10 बार पहले सोचती है, हमसे सलाह देती है, हमारे साथ बैठकर बातें करती है। वह सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुई, उसने हमें बाइक पर घूमते देखा है, उसने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा है। डूबने से 22 लोगों की मौत पर सीएम नीतीश ने जताया शोक। बीते दिन के पिछले 24 घंटे में राज्य के 9 जिलों में डूबने से 22 लोगों की मौत हो गई है। वहीं उनकी मौत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गई है और साथ ही मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए और अविलंब अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बीते दिन के पिछले 24 घंटे में डूबने से भोजपुर में 5, जहानाबाद में 4, पटना में 3, रोहतास में 3, दरभंगा में 2, नवादा में 2, मधेपुरा में 1, कैमूर में 1 तथा औरंगाबाद में 1 व्यक्ति की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में वह पीड़ित परिवारों के साथ है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान अविलंब दिए जाएं। बायोमेट्रिक प्रमाण नहीं देने पर 14,200 अर्थ छात्रों के आवेदन होंगे रद्द। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को और जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा सभी जिला शिक्षा कार्यालय को जानकारी देते हुए बताया गया है कि वैसे छात्र जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन तो किया है, लेकिन बायोमेट्रिक प्रमाण नहीं देने से उनके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि ऐसे छात्रों की कुल संख्या राज्य में 14,238 है। इसमें सबसे ज्यादा जिस जिले के बच्चों के आवेदन को रद्द किया जाएगा उसमें पहले स्थान पर नालंदा जिला है, जहां से कुल 1,705 छात्रों के आवेदन रद्द किए जाएंगे। वहीं दूसरे स्थान पर 1,637 छात्रों के साथ कटिहार और फिर तीसरे स्थान पर 1,310 छात्रों के साथ भागलपुर शामिल है। इसके अलावा अगर हम बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो यहां कुल 729 छात्रों के आवेदन को रद्द किए जाएंगे। बता दें कि जांच के दौरान हजारों छात्र ऐसे पाए गए हैं जिनके द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाण नहीं दिया गया था। ऐसे में सुधार करने के लिए उन्हें 26 सितंबर तक का समय भी दिया गया था। मालूम हो कि व्यवस्था इसलिए शुरू की गई है ताकि फर्जी आवेदन पर रोक लगाई जा सके। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे खेड़ा का दुर्गा के बारे में। खेड़ा का दुर्गा मंदिर न केवल ऐतिहासिक है बल्कि इसकी पौराणिक महत्ता भी है। यहाँ के दुर्गा मंदिर और दुर्गा पूजा से खेड़ा प्रखंड के अलावा जिले व अन्य जिलों के लाखों लोगों की धार्मिक आस्था और मान्यता जुड़ी है। यही कारण है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर लाखों लोग यहाँ आकर दंडवत देते हैं और भक्तिभाव से पूजा अर्चना करते हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पर यहाँ 3 दिवसीय मेला भी लगता है। खेड़ा का दुर्गा मंदिर 200 वर्षों से अधिक पुराना है। इसका निर्माण स्वर्गीय राजा रामेश्वर प्रसाद सिंह के पुत्र स्वर्गीय गुरु प्रसाद सिंह द्वारा कराया गया था। दुर्गा पूजा के अवसर पर हजारों लोग मध्य रात्रि से ही रानी तालाब में स्नान कर माँ दुर्गा को दंडवत देते हैं। यहाँ मन्नतें पूरी होती है। खेड़ा के दुर्गा मंदिर के प्रति आस्था रखने वाले और भक्तिभाव से पूजन करने वालों की मन्नतें पूरी होती है। यही कारण है कि लाखों लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। यहाँ अष्टमी में मध्य रात्रि से बलि प्रथा का प्रचलन है, जहाँ हजारों की संख्या में पशुओं की बलि दी जाती है। यहाँ के मूर्तिकार और पुजारी परंपरागत हैं। स्नातक 20,000 शिक्षकों को ब्रिज कोर्स का है तैयार। प्राथमिक स्कूल में कार्यरत 20,000 शिक्षकों को पहले से 5वीं तक के स्कूली बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्रिज कोर्स करने का इंतजार है। बता दें कि शिक्षकों के नियोजन का 10 महीने से अधिक होने के बाद भी अब तक शिक्षा विभाग के द्वारा ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया है। सभी शिक्षक नियोजन प्रारंभिक कक्षा के लिए वर्ष 2022 के दिसंबर महीने में किया गया था। इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के द्वारा इन शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स अगले 2 साल में करवाने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक उसको लेकर कोई तैयारी नहीं की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार प्रारंभिक कक्षा यानी 1 से 5वीं तक के बीएडधारी शिक्षक नहीं बनेंगे और अगर शिक्षक बनाया भी जाता है तो इन शिक्षकों को 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। लेकिन ब्रिज कोर्स शुरू न होने की वजह से अभ्यर्थी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इसको लेकर शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुजीत कुमार के द्वारा बताया गया है कि अगर जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स नहीं करवाया जाता है तो शिक्षकों को बहुत ही नुकसान होगा। जवान फिल्म की तर्ज पर बिहार में चालू होंगे 11 ट्रामा सेंटर।
बॉलीवुड के किंग खान की हाल ही में आई फिल्म जवान के तर्ज पर बहुत जल्द ही राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास स्थित अस्पतालों में ट्रामा एवं इमरजेंसी सेवाएं बहाल की जाने वाली है। बता दें कि सेवाएं 7 दिनों के अंदर बहाल की जाएंगी। यह कदम बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों की संख्या को कम करने के लिए शुरू किया गया है। इन ट्रामा सेंटर के खोलने को लेकर रोड मैप तैयार कर लिया गया है और दुर्गा पूजा तक चिन्हित जिला व सदर अस्पतालों में हाईली ट्रेड MBBS डॉक्टर स्किल्ड नर्स के साथ एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस व अन्य उपकरण उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वहीं ट्रामा सेंटर के संबंध में जानकारी देने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों पर साइनेज भी लगाया जाएगा, जिसमें अस्पताल का नाम, उसकी दूरी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का एम्बुलेंस और राज्य सरकार की एडवांस एम्बुलेंस की तैनाती और उसका नंबर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के जिन जिलों में इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर शुरू किए जाने हैं उसमें नवादा के रजौली, खगड़िया के महेशखुट, कैमूर के मोहनिया, नालंदा के रहुई, पूर्वी चंपारण के चकिया, गोपालगंज के झजवा, मधुबनी के अररिया, संग्राम, गया के शेरघाटी, अररिया के नरपतगंज, वैशाली के गोरौल और बांका जिले का रजौन अस्पताल शामिल है। ड्यूटी पर तैनात CRPF जवान की मौत से मचा कोहराम। जमुई जिला में ड्यूटी पर तैनात CRPF जवान के मौत से नवादा के कौवाकोल थाना क्षेत्र के महापुर गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि जब तिरंगे में लिपटा हुआ जवान का शव गांव पहुंचा तो उन्हें खोने का गम इलाके के हर किसी के चेहरे पर साफ छलक रहा था। बताया जा रहा है कि जमुई में तैनात CRPF 215 बटालियन के जवान अभिषेक कुमार की तबीयत शनिवार की रात अचानक खराब हो गई थी और वह बेहोश हो गए थे। इसके बाद जब उनके सहयोगी जवानों के द्वारा आनंद फानंद में इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां चिकित्सकों के द्वारा जवान को मृत बता दिया गया। बता दें कि CRPF के अधिकारियों की मौजूदगी में जवान को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विदाई दिया गया। वहीं उनके दाह संस्कार के दौरान स्थानीय जिला पार्षद नीतीश राज, मुखिया हरिलाल शर्मा समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। 10,000 ANM की नियुक्ति को लेकर इस माह के अंत तक आएगी तारीख। अगर आप भी उन लोगों में हैं जो ANM की नियुक्ति को लेकर होने वाली परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार में 10,000 ANM की नियुक्ति के लिए इस माह के अंत तक परीक्षा तिथि जारी कर दी जाएगी। वहीं परीक्षा दिसंबर महीने में ली जाएगी जो कि ऑनलाइन होगी। बता दें कि इसके लिए अब तक 50,000 आवेदक के द्वारा आवेदन किया जा चुका है। वहीं जिनके द्वारा पहली बार में आवेदन नहीं किया जा सका है वो 18 अक्टूबर तक अपना आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा का सिलेबस आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और साथ ही चयन प्रक्रिया में बदलाव से संबंधित सूचना के साथ साथ नई चयन प्रक्रिया को भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है। वहीं चल रही मीडिया खबरों के अनुसार इस परीक्षा के लिए सेंट्रल बिहार की राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, आरा और छपरा में तैयार किया जाएगा। लकी ड्रॉ में कार जीतने का लालच देकर साइबर ठगी का पुलिस ने किया खुलासा। इन दिनों साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे में इन पर नकेल कसने के लिए साइबर थाने भी स्थापित किए गए हैं। बता दें कि ताजा मामला नवादा का है जहां नवादा पुलिस के द्वारा लकी ड्रॉ के नाम से झांसा देने वाले 20 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 25 मोबाइल, 22 नोटबुक एवं काफी संख्या में कस्टमर डाटा बरामद किए गए हैं। ये सभी अपराधी कस्टमर डाटा में उपलब्ध नंबर पर फोन करते और बोलते कि आपका नंबर लकी ड्रॉ में निकला है और फिर इस नाम पर ठगी करना शुरू कर देते। मिली जानकारी के अनुसार इन ठगों की गिरफ्तारी वारसलीगंज के गौसपुर के बगीचा व टाटी मिल बिग्घा के बाजार में घेराबंदी कार्रवाई कर की गई है। बता दें इस बात की जानकारी DSP महेश चौधरी के द्वारा दी गई है। बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं। बीते शनिवार से बिहार के कई शहरों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आज यानी कि 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को राज्य के उत्तर भाग में आंशिक बारिश की स्थिति बन सकती है। वहीं बिहार की राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि कई जिलों में ठंडी हवाओं के प्रभाव से दिन में तापमान आंशिक रूप से नीचे आया है। मौसम विदों के अनुसार 11 अक्टूबर तक बादलों की आंशिक आवाजाही जारी रहेगी। 10 और 11 अक्टूबर को दोपहर तक मौसम साफ रहेगा लेकिन दोपहर बाद बादल आ जाएंगे। भारतीय मौसम विभाग के अनुमानों की माने तो अभी फिलहाल 13 अक्टूबर तक बारिश की संभावना न के बराबर है। वहीं धूप होने के कारण तापमान में वृद्धि होगी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से PhD करने वाले भी ले सकेंगे कॉलेज में क्लास। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से PhD करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल PhD स्कॉलर अलग अलग विभागों में पढ़ाकर कमाई भी कर सकते हैं। इसके लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर RK सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई सिंडिकेट की बैठक में हरी झंडी दिखा दी गई है। बता दें कि शिक्षकों की कमी को देखते हुए इस प्रस्ताव पर हरी झंडी दिखाई गई है। इसके साथ ही अब कम शिक्षक वाले कॉलेजों में राजधानी के प्रमुख कॉलेजों के शिक्षक ऑनलाइन क्लास भी ले सकेंगे। वहीं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न अंकित कॉलेजों में व्यवस्था देखने के लिए निरीक्षण टीम भेजने का भी निर्णय लिया गया है। यह टीम आगे पढ़ाई जारी रखने को लेकर अपनी रिपोर्ट देंगे। साथ ही VV के बोर्ड ऑफ स्टडीज के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग से बिहार को मिलेगी 70 करोड़ से अधिक की GST।
आज के समय में ऑनलाइन गेमिंग का चलन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए जीएसटी काउंसिल के द्वारा सभी तरह के ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। वहीं अब इसके लिए बिहार के द्वारा भी अध्यादेश जारी कर दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार को ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले जीएसटी से 70 करोड़ से अधिक राजस्व मिलने की संभावना है। इसके लिए बिहार के आग्रह पर जीएसटी काउंसिल के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग शुरू करने से पहले लोकेशन निर्धारित करने के लिए अब पिन कोड को अनिवार्य करने का प्रावधान करने का आदेश गेमिंग कंपनी को दे दिया गया है, ताकि यह जानकारी मिल सके कि ऑनलाइन गेम किस राज्य के लोगों के द्वारा खेला जा रहा है, जो कि वर्तमान में पता करना काफी मुश्किल होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोगों की संख्या 50.7 करोड़ से अधिक हो गई है। वहीं एक अनुमान के अनुसार यह संख्या वर्ष 2025 तक 70 करोड़ तक पहुँच जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश सिंह का बयान। एक बार फिर से बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसी को लेकर जब मीडिया के द्वारा बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से यह सवाल पूछा गया कि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो सका, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आप यह सवाल नीतीश जी से जाकर पूछ लीजिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा। हम तो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। जल्द से जल्द जो जगह रिक्त है उसे बिहार की जनता के हित में भरा जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जातीय गणना रिपोर्ट को लेकर कहा कि रिपोर्ट वैसे तो ठीक है, लेकिन यदि कुछ त्रुटि होगी तो भी सरकार देखेगी। बीजेपी इस पर सवाल इसलिए उठा रही है क्योंकि वह जातीय गणना कराना नहीं चाहती थी, वह शुरू से ही इसके विरोध में थे। राजद नेताओं को मिला एक और टास्क। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से जीतोड़ तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा हाल ही में अपने जिला अध्यक्षों के साथ 2 दिनों तक बैठक करके कई टास्क सौंपे गए थे, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि हर हाल में सितंबर तक सभी जगह पर बूथ कमेटी का गठन कर दिया जाए। वहीं अब प्रदेश कार्यालय के पदाधिकारी को एक और नया टास्क दिया गया है, जिसके अंतर्गत उन्हें कहा गया है कि वह बूथ कमेटी में शामिल लोगों को फोन कर यह सुनिश्चित करें कि सही में वे लोग बूथ कमेटी से जुड़े हैं या नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बूथ कमेटी का गठन पूरा होने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पूरे प्रदेश में दौरा कर सफाई करेंगे और साथ ही जिला स्तर पर काम कर रहे पदाधिकारी को भी सक्रिय किया जाएगा। वहीं निर्देश का पालन करते हुए राजद से संबंधित पदाधिकारी के द्वारा रैंडम तरीके से मोबाइल पर सत्यापित किया जा रहा है कि व्यक्ति बूथ कमेटी का सदस्य बनाया गया है या नहीं। जातीय सर्वे को लेकर सुशील मोदी ने पूछा सवाल। जब से बिहार में जाति गणना सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई है, तब से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। इसी कड़ी में अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के द्वारा सवाल पूछते हुए कहा गया है कि जो लोग पूरे देश में जातीय सर्वे कराने की बात कर रहे हैं, वह बताएं कि कांग्रेस टीएमसी झमुमो के शासन वाले राज्य में जातीय सर्वे अब तक क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि क्या नीतीश कुमार जातीय सर्वे कराने के लिए ममता बनर्जी को राजी कर पाएंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को करीब देखकर कांग्रेस जातीय सर्वे कराने का वादा कर रही है, उसे बताना चाहिए कि यह काम पिछले 4 साल में क्यों नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने 2015 में 200 करोड़ रुपए खर्च कर जो जातीय सर्वे कराया था, उसका रिपोर्ट जारी क्यों नहीं किया गया है। यह रिपोर्ट जारी करने के लिए लालू प्रसाद को राहुल गांधी से बात करनी चाहिए। 1 साल से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां जातीय सर्वे कराने की घोषणा क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस को चुनाव आने पर ही जातीय सर्वे की याद आती है। मनोज झा ने जातीय सर्वे के मुद्दे पर बीजेपी सांसदों को लेकर कही बड़ी बात। इन दिनों राजनीतिक गलियारों में जातीय सर्वे को लेकर सरगर्मी का माहौल बना हुआ है। इसी को लेकर अब बीते दिन आरजेडी सांसद मनोज झा के द्वारा बीजेपी सांसदों को लेकर एक बड़ी बात कही गई है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना की लहर है, क्योंकि हर जाति अपने विकास में आंकड़े देखना चाहती है। इससे इनकार करने वाले लोग अब बेनकाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर जाति गणना को लेकर गुमनाम वोटिंग कराती है तो बीजेपी के सांसदों के वोट देख पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के लोग जो उनके समुदाय से आते हैं, वह इस गणना को चाहते हैं। अनुप्रिया पटेल जातीय गणना के मुद्दे पर खुलकर बोल चुकी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के द्वारा भी मंच से बिहार में जातीय गणना सर्वे को लेकर स्वागत किया गया है और कहा गया है कि अगर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनती है तो जातीय आधारित सर्वे कराएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 अक्टूबर की रिपोर्ट सामने आने के बाद देश के कई राज्यों में जातीय सर्वे कराने की मांग उठने लगी है, जिससे कि बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। विश्व कप 2023 के अपने पहले मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर हासिल की शानदार जीत। बीते दिन आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का 5वां मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम मात्र 199 रनों पर 49.3 ओवर में ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और विपक्षी टीम को कम स्कोर पर ही आउट कर दिया। बुमराह ने इस मैच में 2 विकेट हासिल किए। टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट हरफन मौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने लिए। उन्होंने 10 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 28 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। उनके अलावा चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव ने 10 ओवर में
42 रन देकर दो कंगारू बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं भारत ने जवाब देते हुए 6 विकेट से शानदार जीत हासिल की। हालांकि भारत की खराब शुरुआत रही, महज 2 रनों के स्कोर पे 3 बैट्समैन पवेलियन लौट चुके थे। उसके बाद केएल राहुल ने 97 और विराट कोहली ने 85 रनों की पारी खेलकर भारत को शानदार जीत दिला दी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। सभी देशों के बीच पत्रों का आवागमन और जनरल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु बर्न स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने 1874 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया। तभी से 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाना शुरू हुआ। अलीगढ़ का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 1920 को रूपांतरित हुआ। स्वतंत्रता सेनानी वीवी अमर कौर ने 1942 में लाहौर जेल गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्हें गिरफ्तार कर अम्बाला जेल भेज गया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर सी राजगोपालाचारी ने आधिकारिक रूप से प्रादेशिक सेना का उद्घाटन 1949 में किया। केंद्र सरकार ने 2008 में तेल को माफिया से बचाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई। चीन ने 2007 में भारत पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 1826 में हुआ। भारत सरकार के गृह विभाग के कार्यवाहक सचिव विलियस एस वारिस का जन्म 1873 में हुआ। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार कवि साहित्यकार तथा उड़ीसा के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता गोप बंधु दास का जन्म 1877 में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री तमिलनाडु मिंजूर भक्त वत्सलम का जन्म 1897 में हुआ। गीतकार और संगीतकार जॉन लेनन का जन्म 1940 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान का जन्म 1945 में हुआ। भारतीय राजनेता कांसी राम का निधन 2006 में हुआ। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक रविंद्र जैन का निधन 2015 में हुआ। आज के दिन को भारतीय प्रादेशिक सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेलकम, आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि संज्ञान में लाया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की कोई तमिलनाडु में डिजिटल इंडिया मिशन के नाम पर लोगों को नौकरी के ऑफर दे रहा है और प्रशिक्षण के लिए पैसा जमा करने के लिए कह रहा है। इन पत्रों में भ्रामक रूप से डिजिटल इंडिया का लोगो और टैगलाइन समान है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि कृपया ध्यान दें कि MEITY या डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन जनता से ऐसे किसी फंड की मांग नहीं करता है। ये दस्तावेज नकली है और लोगों को गुमराह करने और धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। प्रमाणिक रिक्ति घोषणाओं के लिए हमेशा प्रमाणिक डिजिटल इंडिया या MEITY वेबसाइट देखें। ट्विटर पर इस फीचर की मदद से पैसा कमाना होगा आसान। ट्विटर ने कुछ समय पहले लोगों को लाइव वीडियो का ब्रॉडकास्ट करने का फीचर दिया है। अब एलन मस्क एक और फीचर्स यूजर्स को देने जा रहे हैं। जल्द आप प्लेटफॉर्म पर गेमिंग को स्ट्रीम कर पाएंगे। मस्क ट्विच की तरह वीडियो गेम को स्ट्रीम करने के लिए एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पोस्ट में एक वीडियो भी इससे जुड़ा शेयर किया है। @CYB3RGAM3R420 नाम के हैंडल से ये वीडियो शेयर किया है। फिलहाल आप केवल लाइव स्ट्रीम को देखकर इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। वीडियो क्वालिटी को अपग्रेड करने का ऑप्शन इसमें नहीं है। इस फीचर के रोल आउट होने से एक को यूजर को काफी फायदा होगा, साथ ही क्रिएटर्स इससे ज्यादा पैसा भी कमा पाएंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस दिन विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 6 सितंबर, ऑप्शन सी 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी 6 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 अक्टूबर। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला सवाल, बिहार के प्रथम तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए तिलहर, ऑप्शन बी फुलवारी शरीफ, ऑप्शन सी इमादपुर, ऑप्शन डी गर्दनी बाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इमादपुर। अगला सवाल, बिहार का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी बरौनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पटना। अगला सवाल, सबसे अच्छा किस्म का चूना पत्थर बिहार में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी रोहतास, ऑप्शन डी मुंगेर।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रोहतास। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संतोष कुमार चौरसिया, उमेश रिजदेव, एस दिनेश, बाबूलाल मरांडी, धनंजय कुमार, मोहम्मद फहीम, अनवर करीम खान, उदय कुमार पासवान, मुन्ना कुमार, राजकिशोर महतो, अतीक खान, एच के शर्मा, रूपेश कुमार, प्रहलाद कुमार, प्रयाग सिंह, नौसद अंसारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार के तर्ज पर भारत के पूरे राज्यों में क्या जाति गणना होनी चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।